नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्यारा NCALT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपीलेंट ट्रिब्यूनल। इसकी पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था NCALT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCALT के बड़े भैया। ठीक है, NCALT के बड़े भैया दैट इज NCALT, जो नाम में तो बड़े ही हैं साथ ही साथ काम में भी बड़े हैं। अब नाम में तो बड़े हैं, आपको दिख रहा है कि भैया एक वर्ड यहाँ जुड़ गया एपीलेंट, इसलिए नाम में बड़े हो जा रहे हैं। काम में कैसे बड़े हो रहे हैं तो उसको मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो समझो भैया, जो भी हमारी डेली लाइफ में अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, हम उसको सॉल्व करने कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां के डिसीजन से अगर हम खुश नहीं होते तब हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लाइकवाइज वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर आप NCLT के डिसीजन से खुश नहीं हो, आप उसको फिर से चैलेंज कर सकते हो, फिर से अपील कर सकते हो NCALT। क्लियर है? हाँ जी सर। अगर आप NCLT के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप उसको विदिन 45 डेज के अंदर अपील कर सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो NCALT में। ठीक है, NCLT कौन से सेक्शन के अंदर भैया कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भैया NCLT हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जो क्या कर सकता है भैया, हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। ठीक है, 1 जून 2016 से भैया ये इफेक्ट में आया, किस काम के लिए, NCLT के ऑर्डर्स को सुनने के लिए। ठीक है, अगर कोई री अपील कर रहा है, फिर से अपील कर रहा है NCLT के ऑर्डर से, कोई पर्सन खुश नहीं है, तो वो NCLT में जा सकता है विदिन 45 डेज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, विदिन 45 डेज। साथ ही साथ अगर कोई IBBI और CCI के भी ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो उसको री अपील कर सकता है NCLT में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है IBBI और CCI के भी अगर ऑर्डर से कोई खुश नहीं है तो वो NCALT के पास आ सकता है, NCLT आपकी बात सुनेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब NCLT में कौन कौन लोग होते हैं सर, तो द NCALT इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन एंड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 11 मेंबर्स। ठीक है, NCLT में नॉट मोर देन 11 मेंबर्स मतलब मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनका हेड कौन होगा, एक चेयरपर्सन उनका हेड होगा। इट इज अ हायर लॉ गवर्निंग फोरम देन NCLT, हायर है इससे NCLT से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, नाम में नहीं काम में भी बड़ा है, रिस्पेक्ट में भी NCLT से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि अगर आप NCLT के ऑर्डर से कुछ नहीं हो तो आप जाओगे बड़े भैया NCLT के पास और वो आपकी बात सुनेगा। बट इतने दिन में आपको जाना है तो भैया आपको विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच NCLT अनाउंसेस इट्स डिसीजन, NCLT ने आपको डिसीजन दे दिया, उसके विदिन 45 डेज के अंदर अंदर आपको NCLT के पास जाना है कि भैया हम उनके डिसीजन से खुश नहीं है, आप हमारे केस को रीओपन करो और सारी बातों के ऊपर आप भैया एनालाइज करो और हमको डिसीजन सुनाओ। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मान लो अगर कोई NCALT के ऑर्डर से भी खुश नहीं है, सबसे पहले आप गए NCLT के पास, उन्होंने एक डिसीजन दिया, उससे आप खुश नहीं थे, आप गए NCALT के पास, उन्होंने डिसीजन दिया बट उससे भी आप खुश नहीं हो, तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, फाइनली आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस सामने रख सकते हो, वहां अपना केस आप लड़ सकते हो। कब? जब आप NCALT के ऑर्डर के साथ भी, उनके डिसीजन के साथ भी आप खुश नहीं हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इतना ही सा हमारा टॉपिक है, दिखने में बहुत बड़ा है हाथी जैसा, बट समझने के लिए इसमें चीटी जैसी 2-3 लाइन आपको समझनी है कि भैया ये NCLT का बड़ा भाई है। कब से इफेक्ट में आया, तो भैया 1 जून 2016 से इफेक्ट में आया। क्यों इफेक्ट में लाया गया, तो अगर कोई पर्सन NCLT IBBI और CCI के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो यहाँ पे आके अपील कर सकता है विदिन 45 डेज। अगर उसके बाद भी वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब भैया इस ट्रिब्यूनल में एक हेड होगा, जो कौन होगा, चेयरपर्सन होगा, साथ ही साथ मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं। इतनी ही बात है NCALT में, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। देखो 2-3 मिनट के अंदर इतना बड़ा दिखने वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया है, लोगो देख सकते हो साइड में मैंने लगा दिया है। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस करने लायक और कोई भी बातें इसमें नहीं बनती है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम नए टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।